आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। बिहार में अफसरशाही चरम पर है, इस बात का आरोप लगातार अफसरों पर लगता आया है, खास तौर पर उस महकमे में जहां उन लोगों की आवाज़ पहुंच नहीं पाती अफसर तक जो बेहद ही कम तबके के हैं। इन आरोपों के बीच आज जो एक बड़ा बयान सामने आया है वो बेहद ही हैरान करने वाला है। हमेशा विपक्ष ये आरोप लगाती रही है कि नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही अपने चरम पर है, लेकिन आज जिसने इस बयान को सर्टिफिकेट दिया है वो खुद जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। पूर्णिया पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अफसरशाही के एक सवाल पर जवाब दिया है। दरअसल उनसे पूछा गया कि अफसरशाही अपने चरम पर है, कहा जाता है कि अधिकारी लोगों की बात नहीं सुनते। उन्होंने कहा है कि हाँ, हम पूरे प्रदेश भर में भ्रमण कर रहे हैं और ये शिकायतें आ रही है। खास तौर पर ये शिकायत तब आ रही है जब जदयू के खुद कार्यकर्ता और नेताओं की बात अफसर नहीं मानते। देखिए, जनता के द्वारा अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या होती है। कई जगह पुल पुलिया सड़क वगैरह वगैरह स्कूल बना दीजिए, कॉलेज बना दीजिए, इस तरह की एक जो जनरल लोगों का है कि जो अधिकारी हैं, अधिकारी को जितना रिस्पॉन्स करना चाहिए जनता के कार्यों के प्रति उतना रिस्पॉन्स नहीं होता है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लोगों ने जो कहा है सो हम बता रहे हैं। अब अधिकारियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को ग्रहण करना चाहिए। ऐसी चीज मुख्यमंत्री जी टॉलरेट करने वाले नहीं है। हमारी पार्टी के साथी भी कई जगह कहते हैं कि अधिकारी पार्टी के जो अधिकृत लोग ब्लॉक के अध्यक्ष हैं या और संगठन से जुड़े हैं, उनकी बात अधिकारियों को सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, जो जायज काम है उचित काम है करें, जो जायज काम नहीं है उसको मत करें, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। तो कई जगह इस तरह की शिकायत मिलती है कि अधिकारी लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से नहीं चलेगा। अधिकारियों के लिए भी आरोप प्रत्यारोप और प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। इस सवाल के जवाब में अख्तरुल ईमान, जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही पूर्णिया के अमौर से विधायक हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान जारी किया है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हम लगातार आरोप लगा रहे थे, लेकिन अफसरशाही के इस बात पर हमें झुठला दिया जाता था, लेकिन आज फिर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने, खुद जदयू के उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात का सर्टिफिकेट दे दिया है के वाकई बिहार में अफसरशाही है। सुनिए क्या कहा। बिहार में अफसरशाही का नंगा नाच है, ये हम लोग कहते रहे हैं और हम लोगों की बात झुठलाई जा रही थी, लेकिन जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जनाबे उपेंद्र कुशवाहा साहब ने गोया इस बात की सर्टिफिकेट दे दी है और उसने खुद ही माना है कि अफसरशाही बेलगाम है और हमारे लोग नेता की बात भी सुनी नहीं जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सच्चाई और क्या हो सकती है। लोकतंत्र के लिए शर्मनाक वाकया है कि लोकतंत्र में अफसर, जिनको सरकार के मातहत होना चाहिए, और वो अपने तौर पर अलग से अपना कामकाज चला रहे हैं, गोया किसी की मनमानीपन का ये मनमानीपन की इंतहा हो।